नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। यह सेशन 2023-24 के लिए रहने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल है वो मिस ना हो। और वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। यह नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उस समय भी हमने वीडियो के द्वारा सूचना दी थी, अब इसकी लास्ट डेट नज़दीक है तो एक बार फिर से सूचित कर रहे हैं ताकि जो कैंडिडेट्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज वो मिस ना हो। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में BOPW के नाम से जानते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन जारी हुआ है नोटिफिकेशन का, ये देख सकते हैं, ये 10th बेसिस जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जैसे FM PHW MM PHW उनके लिए जारी हुआ है। और इसमें अगर आगे बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी और ये जो फिलअप वही कर सकते हैं जो लद्दाख या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो मूल निवासी हैं। और ये 10th बेसिस या 10th के बाद जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं उनके लिए जारी हुआ है। तो इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो गया था 6/5/2023 को, लास्ट डेट इसकी है 26/5/2023 को। फीस की बात करें तो ₹500 यहाँ पर फीस लगने वाली है। फीस आपको नेशनल, कोई भी नेशनल बैंक हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा जमा करवानी पड़ेगी। बाकी कोई भी पूरी आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो ई इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, ब्राउज़र, इसको डाउनलोड कीजिए या पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें संपूर्ण जो जानकारी मिल जाएगी। और इसका जो पूर्ण ई इन्फॉर्मेशन वाला नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो इसकी BOPW की हेल्प डेस्क जो नंबर है, ये नंबर है, इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेल आईडी, इस मेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको फिलअप करना है तो आप देख सकते हैं। एक तो आपकी जो भी जितने भी सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड, उनकी एक PDF आपको फॉर्मेट, जो PDF फॉर्मेट है उसमें जिसका साइज़ रहना चाहिए 100 से 200 KB, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपको सेंड करनी पड़ेगी। बाद में ये बाद की बात है। अब आगे बात करते हैं अपने थोड़ा सा आगे, इसके लिए पैरामेडिकल कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो UT ऑफ जम्मू कश्मीर या UT ऑफ लद्दाख का मूल निवासी होना चाहिए। तो मूल निवासी जो SC ST सर्टिफिकेट यदि इशू किया गया है सामान्य कंडीशन के अंदर, तो वो भी डोमिकल रेजिडेंस का प्रूफ है। एक आपके पास 10वीं पास की होनी चाहिए या 10वीं के समकक्ष अन्य कोई डिग्री होती है वो पास की होनी चाहिए जिसमें साइंस और मैथ सब्जेक्ट रहा हो। एज है वो एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31/12/2023 को आधार मान के एज की काउंटिंग होगी। मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट्स 10वीं क्लास में अपीयर हुए हैं 2023 में, 2023 जो एग्जामिनेशन चल रहा है, यानी 2023 का एग्ज़ाम, जिसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया है 2023 में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है, टेंटिव नंबर ऑफ सीट्स हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन उसमें आपको मिल जाएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर रिपोर्टिंग करवाते हैं उसमें चाहिए होंगे। उसमें एक तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कैंडिडेट्स UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कैंडिडेट्स डोमिकल हैं UT ऑफ लद्दाख के, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एनी अदर जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर्ड है इंस्टीट्यूट के अंदर वो चाहिए होगा, उनकी लिस्ट बाद में मिल जाएगी। रोल नंबर और एडमिट कार्ड है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, यदि एंट्रेंस टेस्ट होगा तो उससे पहले आपको मिल जाएगा। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला है, जम्मू या श्रीनगर के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। इसके अतिरिक्त जो आपका रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, जैसे ही रिलीज होगा तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस प्रकार ये काफ़ी बढ़िया मौका है जो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं
और दसवीं पास जो पैरामेडिकल के डिप्लोमे होते हैं जिसमें FM PHW MM PHW वो कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसके संबंध में क्या कोर्स की विशेषताएं हैं, कितनी फीस रहेगी या फिर कितने जो टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है, वो सारी जानकारी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बड़ा सा ई ब्रोशर जो जारी हुआ है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपने मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी, एक नई वैकेंसी, एक नई एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।